गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में वेरी गुड मॉर्निंग चैप्टर 7 रीड कर लिया था, स्टेइंग हेल्दी. हमने कुछ गुड हैबिट्स देखे थे कि हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए किन किन पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो हम अच्छे और स्वस्थ बने रह सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमने कल चैप्टर रीड कर लिया था कि गो टू स्लीप एंड वेक अप अर्ली. अगर हम जल्दी सोते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठ भी पाते हैं. और हमने पर्सनल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता देखी थी कि इसके लिए हमें अपनी बॉडी को कैसे साफ रखना है. ठीक है, तो अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है, अपने ईयर, नोज, अपने नेल्स, इन सबको हमें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें साफ रखना है, जिससे हमारी बॉडी है वो क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी. और हमें क्या करना था, एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी को और हमारी माइंड को, दोनों को फ्रेश कर देती है, एक्टिव कर देती है. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी है वो फ्रेश हो जाती है. क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे बोर हो जाएंगे ना. कितना टाइम हम स्टडी कर सकते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. फिर उससे क्या होता है, हमें कुछ बोर होने लग जाते हैं, स्टडी में मन नहीं लगता. इस बीच अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है, माइंड है वो फ्रेश हो जाता है. इसलिए गेम्स भी बहुत जरूरी है, हमें गेम्स खेलने चाहिए जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों एक्टिव रहेंगे. और हमें फ्रेश फूड खाना है, अच्छा भोजन खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने फूड में शामिल करना. ये तो कल का हमारा चैप्टर था. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. पेज नंबर 33 ओपन करें. स्टार्ट करते हैं कलर द बॉक्स. हमें यहाँ बॉक्स बने हुए हैं इस एक्टिविटी में, उनको कलर करना है. कलर द बॉक्स ब्लू. ब्लू को गुड हैबिट के लिए, जो अच्छी हैबिट है उसके लिए हम जो आगे इस बॉक्स, जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें ब्लू कलर करेंगे. और जो रॉन्ग हैबिट है, जो बैड हैबिट है, उसके लिए रेड कलर का यूज करेंगे. तो हमें और रेड कलर का यूज करना है इन हैबिट्स के लिए. तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे, ए नंबर पे स्पीकर म्यूट करें बेटा. स्पीकर म्यूट करो. वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं. देखिए, वी फर्स्ट नंबर ए पॉइंट को देखिए. वी, वी मींस क्या होता है, डब्ल्यू ई, मैंने बताया था आपको. वी मींस हम. वेरी गुड. वी शुड, शुड मींस चाहिए, हमें चाहिए. ब्रश, आवर टूथ, डेली, हमेशा अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. करते हैं, करते हैं ना. और कितने टाइम बताया था, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 टाइम हमें ब्रश करना है. तो ये गुड हैबिट है. और ये गुड हैबिट है इसलिए आपको इसमें जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कौन से कलर का यूज करोगे, ब्लू. ब्लू, ठीक है. जो गुड हैबिट है उसके लिए हमें ब्लू कलर करना है इसमें, तो आप ब्लू कलर कर दीजिए इसमें. नेक्स्ट नंबर बी, वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए वॉश, गुड हेल्थ मींस धोना, आवर हैंड. स्पीकर म्यूट करके बेटा, स्पीकर म्यूट करके. वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ए मील. मील मींस भोजन, कल मैंने बताया था भोजन. बिफोर मींस पहले. क्या हमें खाना खाने से पहले
अपने हाथों को वॉश नहीं करना है। ये एक रॉन्ग हैबिट है, बैड हैबिट है। हमें अपने हैंड वॉश करने हैं बिफोर एंड आफ्टर मील, इसलिए ये एक बैड हैबिट है। इसको हम कैसा कलर करेंगे? रेड। इस बॉक्स में आप कलर करेंगे रेड, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड गेट अप। गेट अप मीन्स उठना, कल मैंने बताया था। गेट अप, वेक अप मीन्स भी उठना ही होता है, गेट अप मीन्स भी उठना ही होता है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यस, ये एक गुड हैबिट है, इसलिए हम इसको कौन सा कलर करेंगे? ब्लू। हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर डी, वी मस्ट कीप अवर नेल्स लॉन्ग। हमें अपने नेल्स, अपने नाखून को लॉन्ग, लंबा रखना चाहिए। नो, अगर हम अपने नेल्स को लंबे रखेंगे तो उसमें जर्म्स लग जाएंगे और जो कीटाणु हैं वो अपने नेल्स में फंस कर जब हम खाना खाएंगे तो पेट में चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसलिए हमें नेल्स को लॉन्ग नहीं रखना है, उनको शॉर्ट ही रखना है। इसलिए हम इसमें कलर करेंगे नंबर डी में रेड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम ये जो हैबिट्स हैं इनको कलर करेंगे, कर दिया सभी ने। नेक्स्ट नंबर टू, फिलअप। फिलअप कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उनको यूज में लेते हुए हम फिलअप कंप्लीट करेंगे। नंबर ए, आई। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। टेक, टेक मीन्स लेना। आई टेक ए बाथ डेली। मैं डेली हमेशा क्या लेता हूँ? बाथ। बाथ मीन्स नहाना, बाथ मीन्स नहाना, बी ए टी एच, बाथ। यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे आप बाथ। आई टेक ए बाथ डेली, मैं हमेशा नहाता हूँ। नहाते हैं ना सभी स्टूडेंट्स, रोज नहाते हैं और समर सीजन में तो हम टू टाइम्स नहाते हैं, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी नहाते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। तो हमें वन डे में एक टाइम तो हमें रोज ही नहाते हैं और कभी कभी तो हम टू टाइम्स भी नहाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, आई टेक के बाद डेली। नेक्स्ट नंबर बी, वी शुड, हमें चाहिए। अवर फूड, हमारा भोजन, प्रॉपरली सही तरीके से। तो हमें अपने भोजन को, अपने खाने को प्रॉपरली सही तरीके से क्या करना है? च्यू। च्यू मीन्स चबाना। हमें अच्छी तरीके से अपने फूड को चबाकर खाना है, तो सी एच ई डब्ल्यू, च्यू। नेक्स्ट देखिए, वी शुड कीप अवर नेल्स शॉर्ट। हमें क्या चाहिए कि अपने नेल्स को हम शॉर्ट रखें, छोटे रखें, एंड और क्या रखेंगे उनको? क्लीन। क्लीन मीन्स साफ, सी एल ई ए एन, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ। हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखना है, छोटा रखना है और क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड ड्रिंक क्लीन। हमें क्लीन, साफ क्या पीना चाहिए? वॉटर। क्या पीना है? वॉटर। हमें क्लीन वॉटर, साफ पानी ही पीना है, डब्ल्यू ए टी ई आर, वॉटर। वॉटर मीन्स जल या पानी, तो हमें क्लीन वॉटर ही पीना है, ठीक है, डब्ल्यू ए टी ई आर, वॉटर। नेक्स्ट नंबर ई, वी शुड, हमें चाहिए, गो टू ए, किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर, फॉर ए रेगुलर चेकअप। रेगुलर, निरंतर रूप से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए।
क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अगर हम रूटीन से अपना चेकअप करवाते रहेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डॉक्टर, डॉक्टर की स्पेलिंग सभी को लर्न होनी चाहिए, DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। BATH, बाथ। बाथ मीन्स नहाना, च्यू मीन्स चबाना, क्लीन मीन्स साफ, वाटर मीन्स पानी, और डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, जिसको हम जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं। ठीक है, हो गया सबका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर। इन विच ऑर्डर वुड यू डू दीज थिंग्स? नंबर द पिक्चर्स एज 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां देखिए, पीछे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 34। ठीक है, इनको हमें राइट ऑर्डर में इनको कंप्लीट करना है, इनको हमें नंबरिंग देनी है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, कि हमें इनको राइट ऑर्डर में करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो 1, 2, 3 एंड 4 इनको नंबरिंग देंगे। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टूडेंट दिखाई दिया हुआ है फर्स्ट पिक्चर में, कौन है? विभू। विभू पुट्स ऑन ए क्लीन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहन रखी है उसने एक साफ सुथरी। एक बच्चा दिखाई दिया हुआ है जो स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी है। नेक्स्ट में देखिए, ही ब्रशेज हिज टिथ। इसमें विभू क्या कर रहा है? अपने टिथ को ब्रश कर रहा है। ठीक है, नंबर 2 पे ही टेक ए बाथ, उसके बाद वो क्या कर रहा है? बाथ मीन्स नहाना, तो क्या कर रहा है? वो नहा रहा है। देन ही कॉम्ब्स हिज हेयर, कॉम्ब मीन्स कंघा करना, कल भी मैंने बताया था कॉम्ब, तो बालों में कंघी कर रहा है अपने हेयर बाल में। अब देखिए, फोर पिक्चर्स हमारे सामने हैं, इसमें हम इनको राइट ऑर्डर में इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर पे विभू है, वो कौन सी एक्टिविटी करेगा? फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए? हमें देख ले मॉर्निंग है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, नंबर 1 पे ही ब्रशेस हिज टीथ, तो नंबर 1 पे जब जहां विभू अपने टीथ को ब्रश कर रहा है, उसके नीचे आप नंबर 1 लगा दो। ठीक है, जहां विभू ब्रश कर रहा है अपने टीथ को, वहां नंबर 1 लगा दो। इसके बाद देखिए, ब्रश होने के बाद क्या करेगा विभू? नहाने जाएगा ना, नहाते नहाने के बाद तो विभू क्या कर रहा है? ही टेक ए बाथ, नहा रहा है, बाथ ले रहा है। तो यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 2। विभू जहां नहा रहा है, बाथ ले रहा है, वहां नंबर डालो 2। ठीक है, देन इसके बाद विभू क्या करेगा? नहाने के बाद में अपने बालों को कॉम्ब कर रहा है, अपने हेयर बना रहा है। तो यहाँ हम इसके नीचे डालेंगे नंबर 3। विभू जहां अपने बालों को बना रहा है, वहां नंबर डाल दो 3। इसके बाद क्या होगा? नंबर विभू यूनिफॉर्म पहनेगा और स्कूल जाएगा। तो लास्ट में लगा 4 नंबर वाली पिक्चर को हमें, फर्स्ट नंबर वाली पिक्चर को 4 नंबर देना है। फोर ठीक है, जहां विभू ने यूनिफॉर्म पहना है नंबर उसको नंबर देंगे हम 4। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। नाउ आंसर, अभी हम आंसर देंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, राइट एनी टू हेल्दी फूड हैबिट्स। यहाँ हमें कोई भी 2 हेल्दी फूड हैबिट्स लिखनी है, भोजन से संबंधित हमारी जो अच्छी आदत है उनको लिखना है, फूड हैबिट्स लिखनी है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम कोई भी फूड हैबिट्स लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे, और यहाँ 1 नंबर लगा के लिखेंगे, आई
I take milk every day. I take milk every day. मैं हमेशा milk पीता हूँ. Every day, प्रतिदिन. I take means लेना. Milk means दूध. Every day, प्रतिदिन. मैं प्रतिदिन क्या पीता हूँ? Milk पीता हूँ. और milk हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये एक गुड हैबिट है. तो आई टेक मिल्क एवरी डे. आई टेक मिल्क एवरी डे. ठीक है, टू लिखनी है. अब यहाँ हम या तो इसी के आगे लिख सकते हो या फिर नीचे लिख सकते हो. आई ईट फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैम वीडियो ही नहीं आ रहा आपका. मैं क्या मिल्क मैं लिखवा रही हूँ एम आई एल के मिल्क. ब्लैकबोर्ड आ रहा है. ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेटा? नहीं आ रहा मैम वीडियो. ब्लैकबोर्ड नहीं दिख रहा क्या बेटा आपको? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा क्या ब्लैक बोर्ड? आई मीन्स मैं, ईट मीन्स खाना, फ्रेश मीन्स ताजा, फ्रूट्स फल, प्लांट मीन्स और वेजिटेबल सब्जी. I eat fresh fruits and vegetables. I eat fresh fruits and vegetables. Yes, beta. And vegetable कहाँ लिखेगा? I eat fresh fruits and vegetables. Next is number B. What should we do to keep our body healthy? हमारी body को healthy रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? Exercise करेंगे जिससे हमारी body है वो बॉडी और माइंड दोनों हमारे हेल्दी रहेंगे. तो आंसर नंबर बी. वी शुड लिख लिया क्या? वी शुड डू एक्सरसाइज. ई एक्स ई आर सी आई एस ई एक्सरसाइज. हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे. Our body healthy. F-R-U. छोटा छोटा लिख ले, इतनी मोटी लिख रहा है. U-I-T-S foods. E-F. Healthy. Fruits and vegetables.
डू एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे टू कीप अपने को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. तो वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप अवर बॉडी हेल्दी. हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है अपनी बॉडी को हेल्दी रखनी है. बेटा ब्लैक बोर्ड देख लो आप पहले, मैं आऊंगी तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा बेटा. कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिख रहा है मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, उसमें से आप आराम से कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके पिक सेंड करूंगी मैं, उसमें से आप कर सकते हैं. नंबर सी, नंबर सी मैं आपको समझा देती हूँ, मैं पिक सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है. लिस्ट सम गुड हैबिट्स, यहाँ हमें कुछ गुड हैबिट्स लिखनी है. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी आप गुड हैबिट्स लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पे वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गुड हैबिट्स है एक. We should, हमें चाहिए, wake up means उठना, early means जल्दी, morning में सुबह, morning means सुबह, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो ये एक good habit है. तो यहाँ मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, मैं send कर दूंगी आपको. We should wake up early in the morning, ठीक है. Number two, we should brush our teeth twice in a day. हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए दिन में दो बार, ट्वाइस मीन्स दो बार. वी शुड टेक बाथ एवरी डे, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, हमें हमेशा नहाना चाहिए. एंड कॉम्ब योर हेयर, और अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए. तो ये थ्री पॉइंट्स मैंने इसमें लिखवाए हैं, जो आप, मैं इसकी पिक्चर सेंड करूंगी, उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है, ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. इसमें भी जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट किया था, वैसे ही यहाँ हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके नेम हमें लिखने हैं. पेज नंबर 34 एक हमें स्टोरी दी हुई है बेटा, इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं. उसके लिए हेल्प बुक्स है हमारे पास, और इनकी पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को देख के हमें वहां क्या वर्ड आएगा वो लिखना है हेल्प बुक से देख के. स्टार्ट करते हैं स्टोरी, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी. स्टोरी स्टार्ट करें, क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगी, उसमें से कर लेना बेटा. देखिए, आई वेक अप, वेक अप में सोना, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में हम सुबह जल्दी उठते हैं. द, और किसकी पिक्चर दी हुई है, सन, द सन इज शाइनिंग, और जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो कौन चमकने लगता है, सन. तो यहाँ हमें फर्स्ट नंबर पे सन लिखना है, ठीक है, सन, एस यू एन, सन, सन मीन सूरज. जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, स्काई में कौन आता है, सन आता है, सनशाइन, शाइन मीन्स चमकना, कौन चमकने लगता है, सन. नेक्स्ट देखिए, इट इज ए न्यू डे, जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो एक नया दिन आ जाता है, न्यू मीन्स नया, डे मीन्स दिन, तब एक नया दिन आता है. यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है ना, उसके बाद हम भी क्या करते हैं, ब्रश करते हैं. तो हम लिखेंगे ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, ब्रश माय टीथ, उसके बाद हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं. नेक्स्ट देखिए, आई डू सम, मैं कुछ करता हूँ, बच्चा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कर रहा है ना, इसके बाद हम भी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. तो नेक्स्ट में लिखिए,
एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज व्यायाम करना. इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. आई डू सम एक्सरसाइज मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा. नेक्स्ट देखिए बच्चा क्या कर रहा है नहा रहा है और नहाने को इंग्लिश में बोलेंगे बाथ. आई टेक बाथ विद वाटर किससे नहाएंगे पानी से नहाएंगे तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में बाथ BATH बाथ बाथ मीन्स नहाना BATH बाथ बाथ मीन्स नहाना. आई टेक बाथ विद वाटर किससे नहाएंगे वाटर से नहाएंगे. आई यूज मैं नहाने के लिए किसका यूज करता हूँ किसकी पिक्चर दी हुई है सोप किसकी सोप SOAP सोप सोप मीन्स साबुन SOAP. सोप मीन्स साबुन साबुन से नहाते हैं और बालों में क्या लगाते हैं शैम्पू का यूज करते हैं ना शैम्पू का यूज करते हैं तो नेक्स्ट में लिखेंगे SHAMPOO शैम्पू. हम लोग सोप साबुन का यूज करते हैं और शैम्पू का यूज करते हैं टू क्लीन माई बॉडी अपनी बॉडी अपने शरीर को क्लीन साफ रखने के लिए. ठीक है. आई ड्राई ड्राई मीन्स सूखा. आई ड्राई मैं ड्राई करता हूँ अपने आप को सुखाने के लिए माई सेल्फ अपने आप को खुद को विद टॉवल. किसका यूज करते हैं टॉवल का यूज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे TOWEL. टॉवल तौलिए का यूज करते हैं ना नहाने के बाद अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए सुखाने के लिए हम लोग टॉवल का यूज करते हैं. ठीक है तो हम टॉवल का यूज करते हैं. एंड पुट ऑन माय स्कूल उसके बाद हम लोग क्या पहनते हैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म. क्या पहनते हैं यूनिफॉर्म UNIFORM. UNIFORM यूनिफॉर्म. स्पीकर म्यूट कर ले बेटा स्पीकर म्यूट रखें. स्पीकर म्यूट रखें बेटा. तनिशा नेक्स्ट देखिए आई कॉम्ब. उसके बाद क्या कर रहा है बच्चा अपने बालों को कॉम्ब कर रहा है. यूनिफॉर्म पहनी फिर हम अपने बालों को कॉम्ब करेंगे. COMB कॉम्ब. कॉम्ब मीन्स कंघी करना. COMB कॉम्ब. कॉम्ब मीन्स कंघी करना. माई हेयर अपने बालों को. इसके बाद आई पुट माई मैं क्या लूंगा अपना लंच बॉक्स. क्या लूंगा लंच बॉक्स. स्पीकर म्यूट रखे बेटा. तनिशा तनिशा स्पीकर म्यूट करो. ओके मैम. LUNCH लंच BOX बॉक्स. LUNCH लंच BOX बॉक्स. लंच बॉक्स. In my school bag, I put my lunch box. मैं अपना lunch box लूंगा. In my school bag. और क्या लूंगा अपना school bag. School bag में अपना lunch box डालते हैं ना सभी school आते हैं तब. फिर लिखेंगे इसके बाद lunch box के बाद आप लिखें school bag. School की spelling SCHOOL और BAG bag. स्कूल बैग. इसके बाद हम क्या लेंगे अपना स्कूल बैग. आई ईट मैं खाऊंगा माई ब्रेकफास्ट. तो जब मॉर्निंग में हम सुबह स्कूल आते हैं उससे पहले क्या करके आते हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आते हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रेकफास्ट BREAK ब्रेक FAST ब्रेकफास्ट. क्या कंप्लीट करेंगे अपना ब्रेकफास्ट. तो मॉर्निंग में जब स्कूल आते हैं उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं. एंड ड्रिंक और क्या पी के आते हैं किसकी पिक्चर दी हुई है मिल्क
M-I-L-K मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, और क्या पी के आते हैं, मिल्क पी के आते हैं, ठीक है। अपना स्कूल बैग रेडी करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और मिल्क है वो पी के आते हैं। देन इसके बाद आई गो टू स्कूल, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, स्कूल, कहाँ जाऊंगा, स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग S-C-H-O-O-L, स्कूल, ठीक है। इसके लिए आपको पिक्चर्स दी हुई थी, इन पिक्चर्स को देख के हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसकी पिक है वो आपको सेंड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चैप्टर हमारा 7 कंप्लीट हुआ, इसमें कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सनराइज, सनराइज मीन्स सन का उगना, उदय होना, और सनसेट, सनसेट कब होता है, इवनिंग में, सनसेट मीन्स छिपना, और जब सनराइज होता है तब एक नए दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो नया दिन कब स्टार्ट होता है, सनराइज से। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी कंप्लीट हुई, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये सारा दोबारा से भेज दूंगी बेटा, उसमें से आप कंप्लीट करना और इनको लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय मैम, बाय बेटा।